बस दोपहर की तैयारी चल रही है तरकारी की। ये देखिए ये कद्दू का फूल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल हो रहा है सुबह को 8:30। बस चलते हैं, अभी थोड़ा ब्रश फ्रश करते हैं और फ्रेश होते हैं। और आज का जो मौसम है एकदम थोड़ा एकदम शांति मौसम है। कल रात भर बारिश हुई और ये देख रहे हो हमारा घर के सामने एक पोखरा है। वो जो पोखरा है साफ एकदम पानी फुल हो गया है। ये देखिए पूरा पानी फुल हो गया है, उस तरफ एकदम रास्ते तक पानी आ गया। ये देख रहे हो कल रात भर बारिश हुई और हमारा घर के सामने जो हमारा मंदिर है वहाँ पर उसके आगे हम आगे थोड़ा बहुत घूमते हैं और मैं अभी उस साइड में आके ब्रश करवा रहा हूँ। देखते हैं थोड़ा मौसम अगर अच्छा रहेगा तो बाहर जाने की कोशिश करेंगे। और ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पानी कहाँ तक आ गया है हमारा पोखरा में, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए एकदम रास्ते तक पानी आ गया है, पूरा डूब चुका है हमारा पोखरा। ये जो तालाब है बहुत बड़ा तालाब है, हमारा गांव का बहुत बड़ा तालाब है। ये रास्ते तक पानी आ गया है, कल रात भर बारिश हुई। अभी मैं थोड़ा घर में जा रहा हूँ, हमारा घर के पास में एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पर एक मछली घूम रही है और उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए एक खूंपा ला के आते हैं, देखते हैं अगर मछली पकड़ सकते हैं तो पकड़ेंगे। ये देखिए ये रहा खूंपा, इनमें से इससे हम मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा छोटा सा तालाब है मंदिर के राइट साइड में और वहाँ पर एक मछली ने अंडा दिया है और अंडा देके वो जो अंडा दिया था ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा मछली का बच्चे थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया। देखते हैं अगर पकड़ सकते हैं तो। बस मछली तो पकड़ नहीं पाए, बस पूरा भीग गए। ये देखिए पूरा भीग गए और ये जो हमारा खूंपा वो टूट गया। ये देखिए ये पुराना वाला खूंपा था वो टूट गया, इसलिए मछली निकल गई। बहुत बड़ा मछली था तो ये तो टूट गया, इसलिए मछली पकड़ नहीं पाए। बस बाद में कोशिश करेंगे, अगर वो पास में आता है तो कोशिश करेंगे पकड़ने की। गेलू उठ के पढ़ाई कर रहा है, ये देखिए उसका सार आए थे सुबह और थोड़ा पढ़ाई दे के गए हैं और वो उठ के पढ़ाई कर रहा है अभी। भाभी कर रही है पूजा। देखिए गेलू कैसे पढ़ाई कर रहा है, आगे जातीय पद का ये है रहा प्रसाद, भगवान का प्रसाद, कल हमने लाए थे मार्केट से। मोबाइल पड़िया आउ तो कौ दिन आऊ
बाबा कटछ बकरी मोबाइल दिने छुआ बड़ी मोबाइल दिने बात करते है घर में एक भी बूंद पानी नहीं है, बस मैं पानी लाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए, ये हंडी में मैं ये रहा हंडा, और मैं पानी लाने के लिए जा रहा हूँ उस साइड गांव के अंदर। गांव के अंदर से मैं पानी लेके आऊंगा। बस मैं अभी निकल रहा हूँ पानी लाने के लिए। चलिए चलते हैं, चलिए अब चलते हैं पानी लाने के लिए। बस घर में एक भी बूंद पानी नहीं है, इसलिए मम्मी ने बोला कि जाके पानी लेके आओ। हमारा गांव के अंदर एक गवर्नमेंट का ट्यूबवेल है, वहाँ से पानी लाएंगे। चलिए अब चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमारा घर के सामने जो तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, तालाब के उस साइड थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। बस वहाँ से पानी लाना है। चलिए, पीने के लिए एक भी बूंद पानी नहीं है घर में। ये रहा हमारा ट्यूबवेल, यहाँ से लेंगे पानी। फाइनली दो हंडा पानी लेके आ चुका हूँ। ये देखिए, भारी तो बहुत भारी हो रहा है, और देखते हैं घर पहुँच पाते हैं कि नहीं, और कोशिश करेंगे घर पहुँचने की। चलिए, मेरा साथ गेलू जा रहा था, मेरा साथ गेलू आया था। ओ गेलू बोल रहा है कि ले पाएगा कि नहीं। पापा एकदम धीरे धीरे चल। चलिए अब चलते हैं घर। मैं पहली बार इस तरह से पानी ला रहा हूँ दूर से, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए ले पाते हैं कि नहीं देखते हैं। फाइनली फाइनली पहुँच चुका हूँ घर। ये देखिए, बस दोपहर की तैयारी चल रही है तरकारी की। ये देखिए, ये कद्दू का फूल। ये तरकारी की तैयारी चल रही है। ये कद्दू का फूल, उसके साथ प्याज मिला के एकदम बड़ा बनाएंगे। उसको आज भाभी ने करी बनाएगा, और आलू और वो बड़ा को मिला के करी बनाएगा। चलिए देखते हैं भाभी कैसे बनाता है। आज बनाएंगे फूल की करी। ये सारे फूल को एकदम छोटा छोटा करके काट के, और भाभी ने बनाए, आज बनाएंगे करी आलू और टमाटर डाल के।
भाभी एकदम ध्यान से बना रहे हैं करी, आज बनेगा घर में फूल की करी। ये भाभी का एक पसंदीदा करी है, और ये करी जो बनी है ये कभी नहीं बनी हमारे घर में, वो पहली बार बन रही है। फाइनली फूल की करी तो बन चुकी है। चलिए पहले नहा धो के रेडी होते हैं, फिर खाएंगे लंच। और कारण तो नहीं है, घर में लाइन नहीं है, चलिए तालाब में गा नहाते हैं, नहा करने के बाद फिर खाते हैं लंच। चलिए जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी होते हैं और फिर खाते हैं लंच। लंच में तो बनी है, आप लोगों को पता ही होगा, फूल की करी और राइस खाते हैं मस्त। फाइनली हो रहा है रात को 10:40, बस डिनर करते हैं, साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग को, हैप्पी एंड करता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।